बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ एकेडमी सहवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज जो डेमो क्लास जो है ना वो आगाज़ करना है। किस पर जी डेमो क्लास? डेमो क्लास हमारी होगी आज द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976। ये जो आपके लॉ गाइड में सिलेबस है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि लॉ गाइड के सिलेबस में लीगल एथिक्स का जो उन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए प्रोफेशनल एथिक्स में कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ द एडवोकेट्स चैप्टर 12 रूल 134 से लेकर 175 बी तक है, ठीक है ना। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976, ये देखें यहाँ पर मैं भी आपको यही चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, रोज 1976 के, ठीक है। डेमो क्लास है आज आपकी जी। मैं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ एकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। हम ADPP, DDPP, सिविल जज, इलेट, गेट और LLB ट्यूशन की सबकी तैयारी करवाते हैं। सी लॉ की भी तैयारी, आप सी लॉ जो है, सी आपका जो फॉरन से लोग LLB करके आते हैं, इधर सी लॉ का टेस्ट देते हैं, उसकी भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 12 आपके सिलेबस में शामिल है और आपके जो चैप्टर 12 जो है वो उसमें क्या है, रोल 134 से लेकर रोल 175 बी तक है, ठीक है ना। ये हम करेंगे। पहला जो आपका ए है वो है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द अदर एडवोकेट्स, ठीक है, कंडक्ट विद रिगार्ड टू द अदर एडवोकेट्स। और दूसरा जो रूल जो है 145 से लेकर 158 तक जो बी है वो कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स, एक वकील का उसके क्लाइंट्स के यानी कि क्लाइंट्स के लिहाज से क्या उसका रवैया होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी है। और 159 से लेकर 167 तक जो है सी, ड्यूटी टू द कोर्ट, आपकी ड्यूटी क्या है कोर्ट के, आपकी जिम्मेदारी क्या है कोर्ट के लिहाज से, कोर्ट के साथ आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। एंड 168 to 175 बी है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली, कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली, ठीक है। ये जनाब आपने क्या करना है जी, ये आपका जनाब कैनन्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट विद एंड एटिकेट्स ऑफ एन एडवोकेट, ठीक है। ये हम चार पढ़ेंगे आज। हम पढ़ते हैं 134 से लेकर 144 तक, कंडक्ट विद रिगार्ड टू द अदर एडवोकेट्स। फॉर एग्जाम्पल आप एडवोकेट हैं, आपके जो दूसरा एडवोकेट है कचहरी में उसका साथ आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी जी। ए कंडक्ट विद रिगार्ड टू द अदर एडवोकेट्स, रूल जो कहता है 134 ये कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, ये हर एडवोकेट की ड्यूटी है टू अपहोल्ड ऑल द टाइम्स कि हर वक्त क्या करें, अपहोल्ड करें द डिग्निटी, अपनी यानी कि जो उसका वकार है, अजमत है, उसको अपहोल्ड रखे, उसको डिग्रेड ना होने दे, एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को और हाई स्टैंडिंग को, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन क्यों क्या कर रहे, उसको आप होल्ड रखें, उसको उस पर हरफ ना आने दें, एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी और अपने साथ अपनी डिग्निटी और हाई स्टैंडिंग को, एज ए मेंबर ऑफ देयर ऑफ उस यानी कि जो प्रोफेशन है उसके एज ए मेंबर होने के साथ साथ वो अपनी डिग्निटी और हाई स्टैंडिंग का भी ख्याल रखे और प्रोफेशन की डिग्निटी और हाई स्टैंडिंग का भी ख्याल रखे। ये हमने रोल समझ लिया, आइए आप साथ आपको इसका MCQ करवा देते हैं कि MCQ कैसे बन सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल द टाइम्स, क्या अपहोल्ड करना, अभी हमने पढ़ा डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, ऑफ हिज प्रोफेशन उन्होंने साथ लिख दिया, अभी यहाँ पे खाली जगह क्या आना है, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग, क्या देखते हैं MCQ में इसका कोई ऑप्शन है, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग है जी, ये इसका ए ऑप्शन आपका ठीक है। चलते हैं जी आगे, इसमें से MCQs और भी बन सकते हैं, जैसा कि ये डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग उसका अपना भी बन सकता है, उसका अपना भी वो अपहोल्ड करेगा, ठीक है। ये प्रोफेशन का वर्ड भी डिग्निटी एंड प्रोफेशन अपहोल्ड ऑल द टाइम, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन की वो खाली जगह छोड़ सकता है, ठीक है ना, ये भी आप कह सकते हैं इसके MCQs में, ठीक है। आगे चलते हैं जी, रूल 135 देखें, रूल 134 हमने पढ़ भी लिया और उसका साथ MCQ समझ भी लिया और उसका MCQ भी कर लिया,
अब हम रूल 134(5) पढ़ते हैं। रूल 135 क्या कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को वो क्या करेगा, सोलिसिट नहीं करेगा बाय एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो ये नहीं करेगा आओ जी इन केस करा लो, आओ जी ए मर्डर का केस एक करवाओगे तो दो फ्री हो जाएंगे, इस तरह से कोई बात नहीं करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा आपने कि आर बाई एनी अदर मीन्स, किसी भी मीन्स के जरिए जराए के जरिए वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, ना ही सोशल सोशल मीडिया के जरिए, ना ही यानी कि वो किसी भी एक इश्तहारबाजी नहीं करेगा अपनी, यानी कि प्रोफेशनल जो है ना उसकी के मैं वकील हूँ आप मुझे वकील करें, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी नहीं करेगा। दिस क्लास शैल नॉट बी कंस्ट्रूड, इस क्लास को ये ऐसे नहीं लिया जाएगा एज प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन पब्लिकेशन आर यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, आपके जो प्रोफेशनल कार्ड होते हैं जिस पे आपका लिखा होता है कि एडवोकेट वकार अहमद फरीदी एडवोकेट हाई कोर्ट जिला कचहरी नंबर, जो कचहरी नंबर है उसमें आपका 21 नंबर चैम्बर लिखा होता है, ये सारा कुछ वो उससे आपको मना नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हैं। एंड नेम प्लेट्स, और जो आपकी नेम प्लेट्स होती हैं ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, ये देखें यह वर्ड आपने याद रखने हैं, एंड नेम प्लेट्स, जो आप नेम प्लेट्स आपने चैम्बर के बाहर लगवाते हैं और घर के बाहर लगवाते हैं, इससे मना नहीं करता ये। एंड कन्वेंशनल लिस्टिंग, और कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज सो लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन कंटेन देयरिन एज इज लिंक्ड टू द प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाँ जिसमें अगर आपकी एक एडवोकेट की लिस्ट है जिसमें आपका नाम हो उससे भी आपको मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। एंड पब्लिक ऑफिसेज, पब्लिक ऑफिसेज करंटली हेल्ड, जो कि पब्लिक ऑफिसेज में होती हैं, एंड डज नॉट कंटेन एनी मैटर विच सेवर्स ऑफ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, विच सेवर्स ऑफ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इससे आपको ये बनी कि इसमें इससे क्या मना दे कि जो आपके जो मतलब कि आप पर्सनल एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नहीं करेंगे, बाकी आपको ये जो रूल है ना तो आपको ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स बनाने से रोकता है, ना नेम प्लेट बनाने से रोकता है, और ना ही कन्वेंशनल जो आपकी जो लिस्टिंग होती है डायरेक्टरीज में जिसमें तमाम एडवोकेट्स के नाम होते हैं उससे भी नहीं रोकता। आप क्या है जो रूल 135 जो है कहता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन किस चीज़ की है, आप जो ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड जो आपके होते हैं विजिटिंग कार्ड वो बनवा सकते हैं, नेम प्लेट बनवा सकते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनल लिस्टिंग में डायरेक्टरीज में आपके नाम लिस्ट हो सकती है एडवोकेट्स की, इससे नहीं रोकता, लेकिन आप अपनी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, सेवर होता है इसको सेवर में इंजॉय करना, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट को वो आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपका जनाब रूल 135 हो गया। आइए आप इसका एमसीक्यू साथ कर लेते हैं, An advocate shall not solicit professional employment, कि मैं professional वकील हूँ आप मुझे hire करें by an advertisement, हमने ऊपर पढ़ा by an advertisement, ये देखिए shall not solicit professional employment by an advertisement, यहाँ पे क्या आएगा by an advertisement, by sponsor, by written order नहीं आएगा, by advertisement आएगा, B option इसका जी ठीक है, आगे चलते हैं। रूल 136 पढ़ते हैं, रूल 136 क्या कहते हैं, एन एडवोकेट शैल नॉट इंप्लाय एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट आर ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर रिमुनरेट एनी अदर पर्सन फॉर द सोलिसिटिंग आर ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम, कोई भी एडवोकेट क्या करेगा, कोई भी किसी बंदे को इंप्लाय नहीं रखेगा कि उसके लिए वो क्लाइंट घेर घेर के लाए, ठीक है ना, मतलब इसका ये है कि मैं उसको आपको तनख्वाह दूंगा, आप उसके उसमें से कमीशन दूंगा, आप क्लाइंट घेर के लाए, ये कोई यानी कि एडवोकेट नहीं करेगा, शैल नॉट इम्प्लॉय यानी कोई भी पर्सन नहीं रखेगा, वो इम्प्लॉय बंदे को उजरत पे नहीं रखेगा कि आप मेरे लिए क्लाइंट घेर के लाए, मैं आपको यानी कि उस पे से ना ये आपको दूंगा कमीशन दूंगा, ठीक है, नार और ना क्या करेगा, नार शैल ये जाने ना भाई मैं आपको बताता हूँ इस लाइन में कैसे एमसीक्यू बन सकता है, एन एडवोकेट शैल नॉट इम्प्लाई
एनी इम्प्लाई का लफज आप इसको हाईलाइट कर दें, इम्प्लाई एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट और अबटेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, कि उसके लिए वो किसी वकील का काम बढ़ाने के लिए उसके लिए वो बंदे इकट्ठे करते हैं, या आइए वकार अहमद फरीद बहुत अच्छा है, रिजवान साहब बहुत अच्छे हैं, फाद भाई बहुत अच्छे हैं, ये मतलब कि आपका केस लड़ लेंगे, इस तरह से वो ना फाद रखेगा ना रिजवान रखेगा कोई बंदा, ना ही वकार रखेगा, ना रिमुनरेट अदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग, रिमुनरेट उसको कोई उजरत नहीं देगा, ठीक है ना, कोई उजरत नहीं देगा, ये बात क्लियर होगी आपको, वो उसके लिए जो बंदे घेर के लाएगा, ऐसा कोई बंदा कोई वकील भी ऐसा काम नहीं करेगा, नॉर शैल ही शेयर, और ना ही वो शेयर करेगा विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, ये बहुत, ना ही अनलाइसेंस्ड पर्सन के साथ एनी कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ द इंसिडेंटल टू द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ना ही किसी अनलाइसेंस्ड पर्सन के साथ वो क्या करेगा उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है ना, ओके उसने कोई किसी अनलाइसेंस्ड पर्सन ने उसको कोई क्लाइंट दिया तो उसके साथ वो करेगा, ये कोई ये काम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, अनलाइसेंस्ड पर्सन के साथ आप उसको किसी मामले में भी आप कंपनसेट नहीं करेंगे, नॉर शैल, आगे बात एक और लिखी, नॉर शैल ही एड आर अबेट एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू एड आर अबेट का वर्ड यूज हुआ है, एड आर अबेट एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ, और ना ही अनलाइसेंस्ड पर्सन को ये कहेगा उसको हेल्प करेगा कि वो प्रैक्टिस करे, आर टू रिसीव कंपनसेशन देर फॉर, और या उसकी वो उजरत उसको मिले, ठीक है ना, उससे ले, ये भी नहीं करेगा। आगे क्या कहता है 136, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉर शैल ही नोइंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर टू हिम, और ना ही वकील क्या करेगा वो ये जानते हुए प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ एज इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, के और ना ही वो अनलाइसेंस्ड पर्सन जो है उसकी जो है वो अगर वो उसको कोई क्लाइंट देता है तो वो भी क्या करेगा वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये बात है, इसमें तीन बातें बताई हुई हैं, नंबर एक ये कि वो कोई बंदा एम्प्लॉय नहीं रखेगा, ना ही उसको रिम्यूनरेशन देगा, और ना ही अनलाइसेंस्ड पर्सन को वो यानी कि क्या करेगा कोई उसके साथ क्लाइंट शेयर करेगा, और ना ही और उस ना ही उसको एड करेगा अबेट करेगा कि वो उसका केस ला के प्रैक्टिस करे, और ना ही वकील किसी अनलाइसेंस पर्सन को ये ऑफर करेगा कि तुमने मुझे यानी कि क्लाइंट दिया है मैं तुम्हें उसकी कंपनसेशन देता हूँ, ठीक है ना, ये कोई चीज़ नहीं उसको इसलिए कोई नहीं करेगा, ना ही वो उसका वो केस एक्सेप्ट करेगा कि जो अनलाइसेंस पर्सन है उसको कोई उसकी एक्टिविटीज की वजह से उसको केस मिलेगा तो वकील वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ी, आइए हम इसका एमसीक्यू करते हैं। एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एन अदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर रिम्यूनरेट एन अदर पर्सन फॉर सोलिसिटिंग और ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम नॉर शैल ही शेयर विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। देखिए मुझे याद भी हो गया, अब देखिए सी ऑप्शन इसका ठीक है, अनलाइसेंस्ड पर्सन, ठीक है ना, मैंने पढ़ दिया इसको दोबारा, ज़रा वो लंबा हो जाएगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसका लास्ट जो वो करवाता हूँ फिर इसको माइंड अप करता हूँ। 137 क्या कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी होगा ना कोई मामला होगा उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं करेगा विद ए पार्टी प्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट इन द एब्सेंस विद अ पार्टी, पार्टी के साथ, पार्टी किसी भी पार्टी के साथ वो क्या करेगा सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी को क्या करेगा वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, बताएगा नहीं, बाय एन पार्टी प्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट, ठीक है, मतलब कि उसने कहा है कि एन एडवोकेट जो होगा, आप एडवोकेट की बात कर रहे हैं कि आप एडवोकेट जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी कोई भी सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट, ठीक है ना, इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी कंट्रोवर्सी का मैटर जो है दूसरे वकील उसको दूसरे वकील की जो दूसरी पार्टी है उसके वकील की गैर मौजूदगी में उस पार्टी के साथ कोई भी सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी कम्युनिकेट उसको नहीं उसकी कोई डिस्कस नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे बात कोई बात भी उसके वकील की गैर मौजूदगी में वो डिस्कस नहीं करेगा दूसरी पार्टी के साथ कोई भी एडवोकेट, तो इसका एमसीक्यू क्या बनेगा, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट
अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट अ कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। हाँ, कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट के साथ आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी आएगा यहाँ पे, ये आपका ये ए ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक हम जो जो लीगल एथिक्स का सिलेबस जो है वो डेमो लेक्चर है वो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आगे भी काफ़ी है तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 15 मिनट का मैंने लेक्चर आपको दे दिया है, बाकी मैं लेक्चर डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको इंशाल्लाह तरतीब से मिल जाएंगे, आप सारे देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरह पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे और साथ साथ आपको MCQs भी प्रोवाइड करेंगे, और आपको यानी कि आपका रोजाना टेस्ट भी होगा, डेमो क्लासेस भी होंगी और क्लासेस भी होंगी रोजाना जूम पे, मीट गूगल मीट पे और व्हाट्सएप पे भी, और आपको सारा रोजाना प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और MCQs भी आपको रोजाना करवाए जाएंगे, और इस तरह बी एर एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में।